वाराणसी से है, जहां पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भिखारीपुर डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाली विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में ठेकेदार कल्याण सेवा संस्थान के बैनर तले ठेकेदारों ने महाप्रबंधक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बालाजी से की वार्ता। आपको बताते चले कि ठेकेदार कल्याण सेवा संस्थान के बैनर तले विद्युत विभाग के ठेकेदारों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर वाराणसी के भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय में जाकर महाप्रबंधक के बालाजी से वार्ता कर अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया, जिनमें उनकी मुख्य समस्याएं किसी भी फर्म से अति आवश्यक कार्य कराना, उसका निविदा न करना, की गई निविदा के कार्य की मात्रा से ज़्यादा कार्य हो जाने के पश्चात निविदा को विस्तारित न करना जैसी अपनी 13 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया। अभिमन्यु सिंह, ठेकेदार कल्याण सेवा संस्था समिति के प्रदेश अध्यक्ष। अभिमन्यु जी, आज क्या मांग रही, क्यों आए आप लोग, यहाँ कहाँ पे आए हैं? हम लोग प्रबंध निदेशक कार्यालय में भुगतान के तमाम समस्याओं के मांग हेतु आए थे, जिसमें तमाम समस्याएं हैं। इनके यहाँ बार बार दौड़ने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिसको हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या क्या समस्याएं आपके प्रमुख हैं इसमें? हमारी तमाम समस्याएं हैं, किसी भी अति आवश्यक कार्य को करा लिया जाता है, उसकी निविदा नहीं की जाती है। की गई निविदा को अगर कार्य उस मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तो उसको विस्तारित नहीं किया जाता है। कार्य के बीजक को सही समय से मापन नहीं किया जाता है और खंड से बीजक को भुगतान हेतु सही समय से नहीं भेजा जाता है प्रबंध निदेशक कार्यालय को। मंडल द्वारा क्वालिफाई फर्म को LOI जारी करके उससे कार्य करा लिया जाता है और 6-6 माह तक उसको निविदा की कॉपी नहीं दी जाती है। और एक समस्या मेन है, जो इनके निविदा में कार्य का समय निर्धारित रहता है, लेकिन किसी भी फर्म का भुगतान का समय निर्धारित नहीं रहता है, जिसका मांग हम लोगों ने किया कि हमारे भुगतान का भी समय दिया जाए। ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में हम लोगों के यहाँ 21 डिस्ट्रिक्ट में काम होता है और विद्युत विभाग का काफ़ी सारा काम डेली बेसिस पे होता है और इसमें तमाम सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और इनका कहना है कि कुछ टेंडर एक्सटेंशन के संबंध में, क्वांटिटी एक्सटेंशन के संबंध में और अग्रीमेंट विलंब से हो रहा है उस संबंध में और काम होने के बाद कैंसिलेशन के संबंध में तमाम सारे समस्याएं बताएं। तो मैंने इनसे ये आश्वस्त किया हूँ, जो इंडिविजुअल फॉर्म्स की शिकायत है उसको अलग से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम हल कराएंगे। दूसरी पॉइंट है, कुछ ऐसी फॉर्म्स है जिसका बहुत लंबे समय से धनराशि फंड्स की भुगतान होना अवशेष है, तो मैंने पूरा उनको आश्वस्त किया हूँ। हमारे निगम का स्थिति बिल्कुल बेहतर बन रही है, हमें और धनराशि मिलने का पूरा संभावना, एकमुश्त हम जो बताया है उनको हम बिल्कुल इनको भुगतान करेंगे। हमने इनसे ये भी विश्वास दिलाया हूँ कि हमारे साथ जो लोगों ने काम किए हैं वो जो काम किए हैं उसके सापेक्ष उनको जो बिल्स रेज किए हैं उसके सापेक्ष उनको 100% भुगतान होगा। और पूर्व में किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए अपने भुगतान की मांग की। उनकी बातों को सुनते हुए MD ने सभी ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा उक्त धनराशि आने पर सबका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।